नमस्ते दोस्तों, कुक विद भवानी चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे पोटैटो लॉलीपॉप। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बनाने में बहुत आसान है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। दोस्तों पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए दो हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, दो बड़े आलू हैं उबले के रख लिए हमने। अब इसमें इसका मसाला बनाएंगे। हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए हमने ग्रेटर ले लिए हैं, इसमें आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने आलू को ग्रेट कर ली है। दोस्तों इसमें हम एक प्याज को चॉप करके डालेंगे, दो हरी मिर्च को हमने चॉप करके डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। दोस्तों इसमें दो चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इसमें चार चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे। दोस्तों इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से मिक्स हो रहा है। ये हमारा मिक्स हो गया है। इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, एक चम्मच ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा आलू का मसाला बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए कितने बढ़िया से बना है आलू का मसाला। हमारा मसाला आलू का बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको छोटे छोटे लॉलीपॉप साइज में बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों हम इस तरह का छोटे छोटे लॉलीपॉप बनाएंगे इसका। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इस तरह का हम छोटे छोटे लॉलीपॉप साइज में इसको बनाएंगे आलू को, और इसी तरह का सारे आलू को हम इस तरह का लॉलीपॉप साइज में बना देंगे। ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से ही बन रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा आलू मसाला, देखिए कितने बढ़िया से लॉलीपॉप साइज में हम तैयार कर लिए इसको। ये देखिए दोस्तों हमने चार चम्मच मैदा ले ली है, इसका हम एक घोल बनाएंगे पतला सा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको अच्छा से घोल बनाएंगे। घोल बना समय ध्यान रखें कि गुठली ना रह जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और एक बढ़िया सा पतला सा बैटर बनाएंगे हम इसका। हमारा घोल बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए इतने कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये देखिए दोस्तों इसमें कोई लम्स नहीं है। ये देखिए दोस्तों हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। हम ये जो लॉलीपॉप है आलू की, इसको इसके अंदर डीप करेंगे। ये देखिए इसके अंदर डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स के अंदर लपेटेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए घोल के अंदर डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स के अंदर इसका लपेटते हुए ताकि इसका अच्छा से कोटिंग बन जाए। ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से कोटिंग बन गया है। इसी तरह के हम सारे को बना लेते हैं। दोस्तों ये देखिए हमने जब आलू का बॉल बनाए थे समय ब्रेड क्रम्स लगा लिए। देखिए कितने बढ़िया से लग चुका है ब्रेड क्रम्स। इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको तेल के अंदर फ्राई करेंगे। हम तेल को मीडियम हीट पर रखेंगे, पोटैटो लॉलीपॉप को धीरे धीरे फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे पोटैटो लॉलीपॉप देखिए कितने बढ़िया से फ्राई हो रहा है, धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। हम 5 मिनट तक इसको और पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा पोटैटो लॉलीपॉप देखिए कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चलिए हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने एक प्लेट ले ली है, प्लेट में टिश्यू पेपर ले ली है, इसी में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों
पटाटा लॉलीपॉप कितने बढ़िया से फ्राई हो गया है। हम इसी तरह बाकी पटाटों को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पटाटा लॉलीपॉप भी बनके रेडी हो चुका है। चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पटाटा लॉलीपॉप बन चुका है। चलिए इसको प्लेटिंग करते हैं और देखते हैं ये कैसे बना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा पटाटा लॉलीपॉप बनके रेडी हो चुका है। ये देख रहे कितने बढ़िया दिख रहा है। घर पे इसको बनाइए और बच्चों को खिलाइए। ये स्नैक्स में बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए कुक विद भवानी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।